किसान संघर्ष समिति राजा पड़ाव क्षेत्र के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, हाई स्कूल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्रामों के हजारों आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया, जिसके बाद चक्काजाम की जानकारी जैसे ही शासन प्रशासन को लगी तो प्रशासन हरकत में आया। वहीं मौके पर ब्लॉक के आला अधिकारी पहुंचे, जहां जिला के कलेक्टर को इस आंदोलन की सूचना मिलते ही जिले के अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। आज दिनांक 15 जून को राजापड़ा क्षेत्र के लगभग 300 लोगों के द्वारा, जिसमें लगभग 8 ग्राम पंचायत के 3 गाँव शामिल है, इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा विद्युतीकरण, स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, छात्रावास और वन अधिकार, वन संसाधन अधिकार पत्र के लिए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के रूप में वहां पर अपना जमाव किया गया था, जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें मौके पर जाकर यह समझाइश दिया गया या उन्हें कि विद्युतीकरण का सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है और DGPS का सर्वे अभी लगातार चल रहा है, जिसमें जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसमें विद्युतीकरण का कार्य भी जल्दी वहाँ पर चालू हो जाएगा।